अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द बेस एकेडमी इन द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बीएस फिजिक्स। तो पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये अच्छे से जान लिया कि एक एटम क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या काम करता है, उसके बाद वैलेंस शेल की कितनी इंपॉर्टेंस है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स। और इसी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये जाना था कि किसी भी जो एटम है उसका वैलेंस शेल बताता है कि आया कि वो एटम इलेक्ट्रिकली पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी कंडक्शन के अंदर कि नहीं कर सकता। और इसी के बुनियाद पे हमने क्या किया था, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे हमने ये बताया था कि आपके पास कोई भी जो एटम है वो कितनी कंडक्शन रखता है और किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जिसमें हमने ये जाना था कि आपके पास वैलेंस जो शेल होता है अगर उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है कि वो एटम जो है वो कंडक्टर है। इसी तरह अगर उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बिलोंग करेगा सेमीकंडक्टर की फैमिली से, और अगर उससे 4 से ज़्यादा हैं तो इट मींस डेट कि वो इंसुलेटर के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। तो आज हम सेमीकंडक्टर को ही आगे लेके चलेंगे। सेमीकंडक्टर जो है ये इन बिटवीन है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की इसी खसूसियत की वजह से ये आजकल हमारे सेलफोन के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप के अंदर आया कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनके अंदर ये नहायत ही अहमियत का हामिल है। इसकी यही प्रॉपर्टी इसको ख़ास बनाती है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही ये ज़्यादा देर या ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। और इसी की जो है कंप्यूटर, आज जो हमारे जितने भी सेलफोन होते हैं, सेलफोन हमारे, हमें पता है कि एक वक्त ऐसा था कि सेलफोन जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे और उसके बाद यही सेमीकंडक्टर था और इसी सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हुए हमने ट्रांजिस्टर बनाया, और ये ट्रांजिस्टर जो है हमारे आजकल सेलफोन की स्पीड को डिसाइड करता है कि आपका सेलफोन कितना तेज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसर चिप्स। तो ये प्रोसेसिंग चिप भी हम इस सेमीकंडक्टर के ही ज़रिए बनाते हैं, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके पास, जिस तरह हम पिछले लेक्चर के अंदर ये जान चुके हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है ये आपके पास ऐसा एटम होता है जिसके वैलेंस शेल के अंदर, जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन और ये एक पूरी फैमिली हमारे पास, पूरा एक ग्रुप होता है। इसको हम देखते हैं डिजिटल मीडियम के ज़रिए। जी तो डिजिटल मीडियम के ऊपर हम प्रोडक्ट टेबल निकाल चुके हैं जी। प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम चलते हैं जी अपना ग्रुप नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट लाए करते हैं जी। तो ये रहा जी हमारा ग्रुप नंबर 4। इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी कार्बन। ये इमेज है जी कार्बन का, कुछ इस तरह से होता है कार्बन आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद कार्बोनियम, इसका लैटिन नेम है, इंग्लिश इसको कार्बन बोलते हैं। किस साल में ये डिस्कवर हुआ वो अभी तक अननोन है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है, और आप देख सकते हैं जी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम देख लेते हैं जी एटम को। ये देखें जी आपके पास के शेल में 2 हैं, एल शेल में जो है आपके पास 4 हैं, और एम में कोई नहीं है। इसका मतलब इसका एल वाला जो शेल है वो आपके पास क्या जी, वैलेंस शेल के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर उससे नीचे आएंगे तो इसकी फर्दर हमें डिटेल मिलेगी जी, ठीक है। इसका जो है प्रोडक्ट टेबल में ये कहाँ पे है इसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। एटॉमिक वेट इसका गिवन है, नंबर भी गिवन है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंसी, पीरियड, ग्रुप नाम, ब्लॉक किस ब्लॉक में है, ये जी इसका इमिशन स्पेक्ट्रम भी आ चुका है आपके सामने, इस स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज इसकी क्या है जी, सॉलिड है, फ्यूजन हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, थर्मल एक्सपेंशन और वेपोराइजेशन हीट गिवन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन है, ठीक है जी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप देख लीजिए, और अगर कोई भी यहाँ से डिटेल आपको चाहिए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको आप साइड पर लिख लें। ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ चुका है जी, क्रिस्टल लाइक फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, ओके। अब इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी और देखते हैं जी सिलिकॉन है जी हमारे पास नेक्स्ट। ये देखें जी सिलिकॉन, कुछ इस तरह से सिलिकॉन होता है, और इस सिलिकियम इसका लैटिन नेम है, सिलिकॉन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 1824 के अंदर डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट का नेम भी गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपके सामने है। ये साइड पर
इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व होते नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये भी गिवन है। इसमें आप देखें तो ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी, अपना सिलिकॉन की। ये इसकी फर्दर डिटेल है जी, नंबर गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप नोट कर लें। ये एमिशन एक्सपेक्ट एमिशन स्पेक्ट्रम है इसका। ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं इससे मुतल्लिक वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैग्नेटिक टाइप डायमैग्नेटिक है जी ये। कंडक्टिविटी इसमें ये कंडक्टिविटी भी इसकी गिवन है। रेजिस्टिविटी देखें जिसकी कितनी है जी, 0.001 मीटर ओम, सॉरी मिली ओम। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी जर्मेनियम की तरफ। देखें जी कुछ इस तरह से जर्मेनियम नज़र आता है। उसके बाद लैटिन नेम भी इसका जर्मेनियम ही है, मतलब इसका कि ये जर्मेनियम ही है, लैटिन नेम ही है। उसके बाद किस साल में ये डिस्कवर हुआ वो भी यहाँ पे गिवन है, किसने किया वो भी गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 41 है, 32 इलेक्ट्रॉन है और 32 ही प्रोटॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें, इसमें देखें ज़रा वैलेंस शेल आपका एन वाला है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 4। आप लास्ट वाले शेल में देखेंगे जितने भी अभी हम एलिमेंट चेक करेंगे उन सब में आप जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होंगे। तो ये जिसकी फर्दर डिटेल, एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वैलेंस, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, मिशन स्पेक्ट्रम, फ्यूजन, वेपराइजेशन हीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन चार्ज, ये गिवन है जी। ओके, इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है यहाँ पे और कंडक्टिविटी भी ऊपर गिवन थी, इसकी कंडक्टिविटी खड़ी है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, ये जी आपके पास टिन और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। स्टेनम जो है इसका लैटिन नेम है और अभी तक इसकी डिस्कवरी का नहीं पता कभी डिस्कवर हुआ। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 50-50 69 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे देखें जी इसमें भी जो लास्ट वाला शेल है वो ओ है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 4 है, ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास है जी लेड, कुछ ऐसे नज़र आता है और प्लम बम, ये इसका जो है बड़ा अजीब सा नाम है, लैटिन नेम, इंग्लिश में इसको लेड ही बोलते हैं तो ये बेहतर है, उससे काफ़ी बेहतर है। उसके बाद है जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखें जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होता जा रहा है। तो देखें ज़रा यहाँ पे जो लास्ट में आपका शेल है वो कौन सा है जी, ओ वाला है, पी वाला है और पी में देखें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी आप यहाँ पे अभी तक देख रहे हैं एलिमेंट्स उनमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सारे इसकी जो है FL जो है इसका, इसकी इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये डिस्कवरी इसकी गिवन है जी, 1999 में इसको डिस्कवर किया गया था। इसके जो इलेक्ट्रॉन देखे कितने ज़्यादा हैं, 114 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और 173 न्यूट्रॉन है और इसका जो लास्ट वाला शेल है वो क्यू है और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद हैं। तो ये सारा जो ग्रुप है आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा इसकी क्लियर हो सके पिक्चर के आपके पास जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स ही हैं। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर आप इसकी बात करते हो ना, आप ये जो आपके पास है FL, इसमें आप देखें तो इसका जो क्यू वाला शेल है वो वैलेंस शेल है। तो उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी दूर अपने न्यूक्लियस से ये कितनी दूर है ये शेल, और इसी ये तो बड़ी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए। तो ये तो कन्वीनियंट वे नहीं है, सम टाइम हमें ऐसा होता है कि आम हालात में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चाहिए या वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए इन किसी भी वो जब हम उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करें
हमें तो सेमीकंडक्टर ऐसा चाहिए जिसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हों, इंसुलेटर और कंडक्टर वाली, और वो अच्छे तरीके से उसको मेंटेन रखता हो। तो ये इंसुलेटर वाली इतनी अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाएगा। इसी तरह आपके पास ये कार्बन है, तो कार्बन जो है अपने न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ पर देखें ज़रा, वैलेंस शेल कितने करीब है अपने न्यूक्लियस के, तो इसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने न्यूक्लियस से लू अपने जो ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करवाने के लिए, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाने के लिए और इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए। तो ये था इसका जी इंट्यूशन थी फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। अब चलते हैं जी अपने बोर्ड की तरफ। जी तो जैसा आपने देखा कि आपके पास इस पूरी फैमिली के अंदर कौन कौन से सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई, और इनके आउटर मोस्ट शेल में चार ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से जाना होगा। अब हम इसी सेमीकंडक्टर को आगे ले कर चलते हैं। सेमीकंडक्टर अगर हम उसकी डेफिनेशन करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि अ सब्सटेंस इन विच हैज़ रेजिस्टिविटी 10^-4 टू 0.5 ओम। ठीक है जी, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, जो ना तो एक कंडक्टर हो ना एक क्या हो जी इंसुलेटर हो, यानी कि वो दोनों की खुशियात रखता हो। ठीक है, इसके मतलब भी मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता चुका हूँ एनर्जी बैंड थ्री के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे तो आप पहले उनको अच्छे से देख आए, फिर आपको इनकी समझ आएगी। अब इस ग्रुप के अंदर जिस तरह मैंने अभी डिजिटल मीडियम के जरिए आपको दिखाया है कि कौन कौन से इस फैमिली के अंदर सेमीकंडक्टर मौजूद हैं, यहाँ पे उनमें से यहाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन भी उसी का हिस्सा है। उसके बाद इनकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। वो मेजर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी? सबसे पहले कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है, वैलेंस शेल के अंदर जो है, वो चार इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड क्या है जी, कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। इसका क्या मतलब होता है जी, कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर है इसका जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी में कमी आएगी, यानी इसकी कंडक्शन में इजाफा होगा। ये कंडक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन में पार्टिसिपेशन करेगी। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन इम्प्यूरिटीज एडेड टू इट, जब इसके अंदर हम इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे, ये किस तरह इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे, वन बाय वन इन प्रॉपर्टी को हम अच्छे और डिटेल मैनर में जानेंगे कि ये इम्प्यूरिटीज़ का यहाँ पे मतलब क्या है। इसी इम्प्यूरिटी की बुनियाद पे एक्सट्रिंसिक हमारे पास सेमीकंडक्टर आते हैं, जिसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हम सेमीकंडक्टर के मतलब जान रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। बेसिक कोई भी अगर सेमीकंडक्टर होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो आपके पास इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे तो वो अपनी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। मतलब क्या कि अगर वो कंडक्शन नहीं कर रहा है एट रूम टेम्परेचर, अगर आप उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। तो ये कैसे करेगा इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद है कि जो है लास्ट नॉट द लीस्ट, कि ये आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में होता है, यानी कि आपके पास ये इरेगुलर मैनर में नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिलोंग करता है। यानी इसमें क्या होगा कि आपके पास जितने भी एटम होंगे वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एटम्स के साथ वो क्या करेंगे, एक ख़ास पैटर्न के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, अप डाउन, ठीक है जी, आगे और पीछे, एक ख़ास मैनर, ख़ास पैटर्न इनके अंदर नज़र आएगा, ख़ास अरेंजमेंट नज़र आएगी, ये डिसऑर्डर या डिसअरेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया। उसी के बाद साथ साथ ये क्या रखते हैं जी, ये कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है जी, ये ऐसा बॉन्ड है जो बनता है बिटवीन द वैलेंस शेल। ठीक है जी, कि आपके पास दो एटम हैं, उन दोनों एटम के जो वैलेंस शेल होंगे, ठीक है, एडजेसेंट एटम के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, उन दोनों की शेयरिंग की वजह से आपस में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, उस शेयरिंग की वजह से ये आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास, सपोज मैंने यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन एटम लिया है और उसी के साथ जी यहाँ पे पांच एटम है जी, 1, 2, 3 एंड 4। आप हमें पता है कि जो आपके पास सिलिकॉन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जी चार इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। चार इलेक्ट्रॉन मौजूद होने का मतलब ये है कि ये जब आपस में जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या होगा कि ये जो सिलिकॉन है ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। किस तरह से कि अगर एक मैं सिलिकॉन एटम की बात करता हूँ, तो एक सिलिकॉन एटम के अंदर क्या है, आपके पास चार इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जिस तरह इस एटम में देखें आप, ये 1, ये 2, 3 और ये
फोर। इसी तरह इसके आपके पास क्या होंगे जी, वन टू थ्री और ये जी फोर, ठीक है जी। अब जो दरमियान वाला एटम है आपके पास, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, इस सिलिकॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऊपर वाले सिलिकॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अपने इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और अपनी नीचे वाले सिलिकॉन से भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो शेल है, वैलेंस शेल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वैलेंस शेल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। कैसे कंप्लीट कर रहा है, वैलेंस शेल को कंप्लीट या स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, इस जो आपके पास ये एटम है, ये एटम भी क्या कर रहा है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रख रहा है, और ये सिलसिला क्या है, इस तरह चलता जाएगा। सपोज करेंगे यहाँ पे भी एक सिलिकॉन एटम होगा, वो भी क्या करेगा, इसी तरह से अपने नेबरिंग के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने बना दिए, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और इसी शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि ये एक स्टेबल या फिलहाल एट अ रूम टेम्परेचर ये क्या होगा, एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं जी हम। अब ये आपके पास जो कोवेलेंट बांड जिनकी मैंने डिस्कशन की है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस को बता रहे हैं, यानी एटम को बता रहे हैं, कोर की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बांड है, रूम टेम्परेचर पे मैंने अभी कहा कि आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिकली जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो अपने वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टेबल है, ठीक है ये जी, इनके दरमियान मौजूद होता है जी कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो आपस में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो चुके हैं, कोई भी आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या करते हैं, बाई सम मीन आप इसको क्या करना शुरू कर दें, आप इसको हीट दें इन द फॉर्म ऑफ लाइट या किसी और सोर्स से, ठीक है जी, एनर्जी देंगे आप हीट या लाइट की फॉर्म में, तो होगा क्या कि थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हासिल करेगा और यहाँ से क्या करेगा, जंप करके इधर बाहर आ जाएगा और यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब यही जो क्रिस्टल है ये हमारा क्या बन चुका है जी, कंडक्टर बन चुका है, ठीक हो गया। अब जो सिलिकॉन आपने ये जो बॉन्ड तोड़ना है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो दरकार होती है वो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिलिकॉन के लिए मेरे पास वो एनर्जी क्या होती है जी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जर्मेनियम के लिए देखा जाए तो मेरे पास वो एनर्जी कितनी होती है जी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। सिलिकॉन को थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, ठीक है, लेकिन जो वाइडली हम इस्तेमाल करते हैं वो सिलिकॉन को ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जर्मेनियम इतना ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि अक्सर जर्मेनियम को जो है वो एनर्जी बहुत कम चाहिए अपने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहते हैं कि ये कोलैप्स कर जाए, सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। अब इसी को क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को पहले डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से भी पहले, तो अब जिनको हमने लेके आगे चलना है वो आपके पास हैं जी सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, ये इनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम जर्मेनियम से या सिलिकॉन से नीचे जाएं, मतलब है कि आप कार्बन की बात करते हैं, इस ग्रुप का पहला मेंबर है, तो उसके दो एनर्जी लेवल हैं, मतलब है कि वो बड़ा लूजली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ, थोड़े से भी टेम्परेचर से वो क्या होगा कि मोस्ट चांसेस हैं कि वो ब्रेक कर जाए, ठीक है। लेकिन जो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, जर्मेनियम से आगे जाएंगे, तो एनर्जी लेवल क्या होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, इट मीन्स डैट कि आप सॉरी कार्बन जो है वो सॉरी ज़्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है अपना बांड तोड़ने के लिए, तो वो सूटेबल नहीं रहता हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। चलें जब इसको देखते हैं जी, सिलिकॉन जो है इसकी डिस्कवरी के अंदर आते हैं जी, सबसे पहले इसको देखते हैं जी, ये डिस्कवर कब हुआ, 1824 के अंदर ये डिस्कवर हुआ, जैसे कि डिजिटल जो मैंने इस मीडियम के जरिए भी आपको दिखाया है, तो उसके अंदर भी ये आप मेंशन था कि ये 1824 के अंदर जो है डिस्कवर हुआ, किसने किया, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें ज़रा, इसका जो है प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना है जी, 14, इट मींस डैट कि इट हैव प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन है जी इसके पास, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो भी कितनी है जी, वो भी 14 ही है, और जिसकी वजह से ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखें कि इसके अंदर कितने एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे शेल्स कितने हैं जी, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे इसको हम डिनोट कर देते हैं जी, 1, 2 और ये 3, के एल और ये एम। अब आप देखें कि पहले दो जो आपके पास शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, उनको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बाई यूजिंग 2n² फार्मूला वो पूरे हैं जी, पहले में 2 होने चाहिए, उसके बाद अगले में 8 होने चाहिए, वो पूरे हैं। अब ये जो लास्ट वाला है ये आउटर मोस्ट है, अब ये आउटर मोस्ट होने की वजह से क्या बन चुका है, वैलेंस शेल बन चुका है। अब इसी वैलेंस शेल की वजह से क्या होगा कि इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे जी,
आठ इलेक्ट्रॉन दरकार होंगे, तो इसमें मौजूद कितने हैं जी, चार इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे चार इलेक्ट्रॉन चूंकि मौजूद हैं और इसको रिक्वायर्ड कितने हैं जी, चार। तो ये चार कैसे पूरे करता है जी, नेबरिंग के साथ शेयरिंग के जरिए ये चार अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए इस सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए, तो ये जो आपके पास एटम है ये क्या है जी, फिल है। ये फिल होने की वजह से ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और इस कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं जी, इसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं। क्या नाम देंगे इसको, कोर का जी। तो ये हमारे पास कोर कहलाती है। अब इसके बाद कोर के बाद ये लास्ट पे क्या है जी, आपके पास वैलेंस शेल है और इसके अंदर जी कितने, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और ये सेमी कंडक्टर आपके पास। इसकी और थोड़ी सी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं जी। सिलिकॉन जो है ये कॉमन रॉक के अंदर भी मौजूद होता है आपके पास, और सैंड में किस तरह होता है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जिसमें से आप बाय सम मीन ऑक्साइड को लैदा, ऑक्सीजन को लैदा कर दें तो आपके पास प्योर जो है वो सिलिकॉन हासिल हो गया। इट मीन्स कि आप 24 घंटे अगर आप कंक्रीट में रहते हैं तो क्या है कि आप 24 घंटे जो हैं वो सिलिकॉन के गिर्द से सॉरी सिलिकॉन से घिरे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं वो जी आपके पास जर्मेनियम है। जर्मेनियम जो है इसमें भी आप देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 32। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर 32 ही प्रोटॉन मौजूद हैं और इसके अंदर 32 ही जो है आपके पास वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब यहाँ पे देखें ज़रा, तो इसमें दो शेल कम्प्लीटली फिल्ड थे और दो शेल के बाद अगला जो तीसरा शेल था वो यहाँ पर वैलेंस था। ठीक है जी, जो कम्प्लीटली फिल्ड थे उसको हमने कोर का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इट मींस के पहले में 2, 8 और अगले में 18 फिल होने के बाद 3 शेल जो हैं यहाँ पे ये क्या बनाएंगे जी, ये कोर कंप्लीट करेंगे। ये अब हमारे पास ये कोर है और कोर के बाद ये जी आपके पास जर्मेनियम का वैलेंस शेल और इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम किसका नाम देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। ये आप इसे काफ़ी जो है वाकिफ हो चुके हैं। अब इसमें देखा जाए सिलिकॉन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिलिकॉन में यहाँ पे आप देखें ज़रा, सिलिकॉन एटम जो है एक ख़ास, चूँकि मैंने बोला था कि ये एक क्रिस्टल शक्ल क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब ये कि क्रिस्टल लाइक नेचर रखता है, क्रिस्टल सॉलिड है, तो इसमें एक ख़ास पैटर्न मौजूद होगा। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि एक जो है सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ क्या हुआ है जी, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें जी, इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे भी एक सिलिकॉन मौजूद होगा, उसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, और उसी तरह से ये क्या करेगा, नेबरिंग के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक सिलिकॉन मौजूद होगा और ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए क्या होगा, अटैच होगा। ठीक हो गया, और ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। और ये सिलसिला क्या होगा, ऐसे ही चलता जाएगा जो है पूरे क्रिस्टल के अंदर। तो यहाँ पे ये एक आपके पास सिलिकॉन है, एक एटम है, ये उसके अपने इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है जी, दूसरे साथ वाले नेबरिंग से भी क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है उनके इलेक्ट्रॉन को भी, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या रहता है, पहले रूम टेम्परेचर पर ये क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जर्मेनियम के अंदर भी देखें तो आपके पास जो आउटर मोस्ट है उसके अंदर भी चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिस तरह हमने डिजिटल मीडियम में देखा था। ठीक है जी, इसके जो क्वांटिटेटिव जो डिस्क्रिप्शन वो ये गिवन है जी, इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम द एश ऑफ द सर्टन कोल एंड द फॉर्म द फ्लू डस्ट ऑफ जिंक। ठीक है, और इसका भी जो अटोमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या इसकी जो अरेंजमेंट है वो भी सिलिकॉन जैसी है कि एक जर्मेनियम के आइटम अपने नेबरिंग के साथ क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, चार उसके अपने और वो क्या कर रहा है, दूसरों के साथ, दूसरे अपने नेबरिंग जो एटम्स हैं उनके साथ भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और बीटल्स को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इनकी एनर्जी बैंड थ्योरी की तरफ, इनके बैंड्स को देखते हैं कि इनमें बैंड्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखा जाए, जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हम अच्छे से ये जान चुके हैं कि बैंड्स किस तरह डिफाइन करते हैं, कि आपके पास कोर के बैंड होंगे, उसके बाद आपके पास लास्ट पे वैलेंस बैंड आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है जी, कंडक्शन बैंड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो मटेरियल है या आपका वो सब्सटेंस है वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना उसको करवाना चाहते हैं आप, तो उसके कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें ज़रा,
यहाँ पे मेरे पास ये बैंड जो है, ये एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है ये सिलिकॉन के लिए है, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए जी? जर्मेनियम के लिए। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मैंने बनाए हैं, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक आपके पास क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम मौजूद है। अब नंबर ऑफ एटम में लास्ट इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिस्कशन कर चुके हैं हम कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं, ये बैंड्स कैसे डिवेलप करते हैं हम। तो इसके लिए अगर आपने नहीं पता आपको कि बैंड्स क्या होते हैं, और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे जो है ना लास्ट वाली जो वीडियो है एनर्जी बैंड थ्री वाली, उसको अच्छे से देखें। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे।